मॉड्यूल वन हंड्रेड टेन डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया फॉर सेलेक्टिव म्यूटिज्मर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया फॉर द सेलेक्टिव म्यूटिज डिसडर वी नीड टू बी डिसकस एंड वी नीड टू बी सी कितना टाइम पीरियड जो है वो हम बच्चे को देखेंगे कि वो सर्टन सिचुएशन में नहीं बात कर रहा तो हम उसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी चीज़ देखेंगे कि उसकी जो मैनिफेस्टेशन है इस डिसऑर्डर की वो किस तरह होती है तो वी गो विद द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डी एस एम फाइव तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया ए है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस जो हैं उसके अंदर बच्चा जो है वो बात नहीं कर सकेगा तो दैट्स मीन दैट देयर आर सर्टन सिचुएशन जहाँ पर बच्चा बात कर सकता है फॉर एग्जाम्पल बच्चा हो सकता है कि घर में अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बात कर सकता हो इसी तरह जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में जिस वक्त जो टीचर है वो उससे कोई सवाल करता है तो वो टीचर के साथ जो है उसकी बात का जवाब उसको नहीं दे पाता ठीक है आ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द चाइल्ड इज़ अनएबल टू कोस्टिंग द टीचर और द चाइल्ड इज़ अनएबल टू आंसर द टीचर ठीक है तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कुछ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस में नज़र आएंगी नॉट इन जर्नल देन उसके बाद वो बात करता है कि जो बी क्राइटेरिया है कि इसकी वजह से बच्चे की जो एजुकेशनल अचीवमेंट है या जो सोशल कम्युनिकेशन है वो क्या हो रही होगी इफ़ेक्ट हो रही होगी अब इसको हम क्यों कहते हैं इफ़ेक्ट हो रही होगी बिकॉज एफ द टीचर इज आस्किंग यू टू रीड अलाउड इन अ क्लास और चाइल्ड इज़ अनएबल टू डू दैट थिंग तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो डेफ़िनेटली उसकी स्कोरिंग के ऊपर उसका इफेक्ट होगा इसी तरह सोशल कम्युनिकेशन उसकी किस तरह इफेक्ट होगी बिकॉज द चाइल्ड इज़ अनएबल टू इंटरेक्ट विद हिज और हर क्लास फेलोज तो जिस वक्त वो क्लास फेलोज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो भी इफ़ेक्ट होगी और अल्टीमेटली वो उसके सोशल रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करेगी दैन द सी क्राइटीरिया इज़ अबाउट द ड्यूरेशन अब ड्यूरेशन के बारे में वो कहता है कि ऐट लीस्ट वन मंथ अब एट लीस्ट वन मंथ का क्या मतलब है कि अगर बच्चा जिस तरह स्कूल गया तो हर बच्चा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है वहाँ पर एडजस्ट होने का ठीक है एक माह तक तो अगर बच्चा थोड़ा कम बोल रहा है या नहीं बोल रहा तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल लेकिन अगर एक माह से ज़्यादा का टाइम हो गया है इवन आफ्टर अ मंथ जो बच्चा है उसने क्लास के अंदर इंटरेक्ट करना नहीं शुरू किया टीचर से बात करनी शुरू नहीं की तो इसका मतलब है कि उससे सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं वो आपको उसमें चेक करनी चाहिए अब इसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो बच्चा है वो जब वन मंथ का जो पीरियड होगा उसके अंदर उसके पेरेंट्स ये रिपोर्ट करेंगे कि वो बच्चा घर के अंदर सही इंटरेक्ट कर रहा है वो घर में बात भी कर रहा है मदर से भी सिबलिंग से भी लेकिन जो स्कूल की सिचुएशन है वहाँ पर वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जिसका ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा इसलिए नहीं बोल पा रहा कि उसके पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है ठीक है यानी वो रीडिंग इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो लिमिटेड है या वो बोल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसको किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिस तरह डी क्राइटेरिया में वो बात कर रहा है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग और फिर सेकेंडली आपने ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लैंग्वेज उस सिचुएशन के अंदर उसको चाहिए बोलने के लिए उसके पास वो लैंग्वेज ही नहीं है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा इमिग्रेंट है यानी वो किसी कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर गया है और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है आप फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि कोई पाकिस्तान का बच्चा है जो उर्दू बोलता है और वो यूके चला गया है और वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और उसके पास ये लैंग्वेज ही नहीं है तो अगर ये प्रॉब्लम है कि उसके अंदर लैंग्वेज स्किल्स ही नहीं है तो उसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं कहेंगे ठीक है तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आइधर द चाइल्ड हैज़ एन अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दैट थिंग और नॉट इसके अलावा जो कम्यूनिकेशन डिसऑर्डर है उसको आपने ध्यान में रखना है कि जिस तरह कोई आर्टिकोलेशन का मसला है या स्टेटरिंग का कोई प्रॉब्लम है क्या उसकी वजह से तो नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा चुप है और वो कुछ सिचुएशन में बिल्कुल बात करने के लिए रेडी नहीं है तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है इसी तरह आपने ये देखना है कि कहीं ऑर्टिज़म का प्रॉब्लम तो नहीं है अब ऑटिज्म के प्रॉब्लम के अंदर आपको पता है कि और फीचर्स भी होते हैं जिसके अंदर आई कांटेक्ट जो है वो बच्चा मेंटेन नहीं कर पाता स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि एबसेंट ऑफ स्पीच जो है जो उसकी क्लास में जो वो नहीं बात कर रहा वो कहीं ऑटिज्म की वजह से तो नहीं है और इसी तरह शेजोफीनिया या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से जिसमें हम कहते हैं कि पावर्टी ऑफ स्पीच जो है वो डेवलप हो जाती है और कोई इंसान जो है वो बात नहीं करता उस डिसऑर्डर में या वो बात करना पसंद नहीं करता तो कहीं ऐसा तो नहीं है तो ये चीजें जो है इनका आपने ध्यान रखना है जिस वक्त आपने किसी भी बच्चे को म्यूटिज्म डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज करना है